नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। मैं आज आपको कुंवर मोहिंदर सिंह बेदी सहर साहब का एक लिखा हुआ गुरु नानक देव के ऊपर बाबा गुरु नानक देव सुनाना चाहती हूँ। एक जिस्म न तवा इतनी दबाओं का हुजूम, एक जिस्म न तवा इतनी दबाओं का हुजूम, एक चरागे सुबह और इतनी हवाओं का हुजूम, मंजिलें गुम और इतने रहनुमाओं का हुजूम, मंजिलें गुम और इतने रहनुमाओं का हुजूम, एतिकाद खाम और इतने खुदाओं का हुजूम, कश्मकश में अपने ही माबत से कतराता हुआ, कश्मकश में अपने ही माबत से कतराता हुआ आदमी फिरता था दर दर की ठोकरें खाता हुआ, आदमी फिरता था दर दर की ठोकरें खाता हुआ, हक को होती थी हर एक मैदान में बातिल से शिकस्त, हक को होती थी हर एक मैदान में बातिल से शिकस्त, सर निगूं सर दर गरेबां सर बसर थे जेर दस्त, फन था एक मतलब बरारी लोग थे मतलब परस्त, इस कदर बिगड़ा हुआ था जिंदगी का बंदोबस्त, हामिए जोर सितम हर तरह माला माल था, हामिए जोर सितम हर तरह माला माल था, जिसकी लाठी थी उसी की भैंस थी ये हाल था, क्या खुदा का खौफ कैसा जज्बाए हुब्बे वतन, क्या खुदा का खौफ कैसा जज्बाए हुब्बे वतन, बरसरे पैकार थे आपस में शेख व बरहमन, बागबां जो थे वो खुद थे महव तखरीब के चमन, बागबां जो थे वो खुद थे महव तखरीब ए चमन, अलगरज बिगड़ी हुई थी अंजुमन की अंजुमन, मजहबे इंसानियत का पासबां कोई न था, मजहबे इंसानियत का पासबां कोई न था, कारवां लाखों थे मीर कारवां कोई न था, रूहे इंसान ने खुदा के सामने फरियाद की, रूहे इंसान ने खुदा के सामने फरियाद की, जो ज़मीं पर हो रहा था सब बयां रुदाद की, जो ज़मीं पर हो रहा था सब बयां रुदाद की, और कहा हद हो चुकी है कुफ्र की इल्हाद की, एक दुनिया मुंतज़िर है आपके इरशाद की, तब ये फरमाया खुदा ने कि सबको समझाऊंगा मैं, तब ये फरमाया खुदा ने सबको समझाऊंगा मैं, आदमी का रूप धारण करके खुद आऊंगा मैं, आदमी का रूप धारण करके खुद आऊंगा मैं, इस तरह आखिर हुआ दुनिया में नानक का ज़ुहूर, इस तरह आखिर हुआ दुनिया में नानक का ज़ुहूर, फर्श तलवंडी पे उतरा अर्श रब्बे गफूर, फर्श तलवंडी पे उतरा अर्श से रब्बे गफूर, उठ गया जुल्मात का डेरा बढ़ा हर समत नूर, मंबाए अनवार से फैली शुआएं दूर दूर, मेहर ताबा ने दो आलम में उजाला कर दिया, मेहर ताबा ने दो आलम में उजाला कर दिया, आदमी ने आदमी का बोल बाला कर दिया। बाबा गुरु नानक देव आपके नज़र था कुंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब सहर का। सत श्री अकाल जी।